मतलब किसान के घर क्यों हम क्यों बड़े आदमी के घर नहीं आए। मैंने देखा कि मैं किसान बैकग्राउंड से हूं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शार्क टैंक सीजन 1 में सबके दिलों में छा जाने वाले जुगाड़ू कमलेश के बारे में। जुगाड़ू कमलेश का पूरा नाम कमलेश नाना साहब घुमारे हैं। इनका जन्म 1996 में मालेगांव महाराष्ट्र में हुआ था। छोटी उम्र से ही कमलेश एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। उन्होंने कई बार आर्मी में भर्ती होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स दिए पर एक बार भी सफलता नहीं पाई। कुछ समय बाद उनके पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया और फिर उन्होंने आर्मी की तैयारी करना बंद कर दिया। कमलेश को एक्टिंग और सिंगिंग में भी इंटरेस्ट था। अपने कॉलेज के दिनों में कमलेश एक्टिंग और सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते रहते थे। उनकी एक्टिंग स्किल्स देख कमलेश के दोस्तों ने कमलेश को अपनी किस्मत एक्टिंग फील्ड में आजमाने को कहा। कुछ समय बाद कमलेश मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने कई ऑडिशंस दिए पर अपने लुक्स और लैंग्वेज टोन के चलते कहीं सेलेक्ट ना हो पाए। उसके बाद कमलेश मुंबई छोड़ अपने गांव वापस आ गए। गांव वापस आने के बाद कमलेश ने एक आदमी से कांटेक्ट किया। उस आदमी ने कमलेश को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए 1,00,000 रुपए की मांग रखी। कमलेश ने 1,00,000 रुपए भी दे दिए। वह आदमी फ्रॉड निकला और कुछ ही हफ्तों में गांव छोड़कर भाग गया। उसके बाद कमलेश ने नौकरी कभी भी ना करने की ठान ली। कुछ ही दिनों बाद कमलेश ने अपने ही गाँव में एक छोटा होटल खोला। होटल खूब बढ़िया चलने लगा। कमलेश होटल से अच्छे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन फिर कमलेश के दोस्तों के चलते कमलेश एक लड़की के केस में फंस गया और फिर उसे अपना होटल भी बंद करना पड़ा। किसी भी फील्ड में सक्सेस ना पाने के कारण, हर बार हार जाने के कारण कमलेश डिप्रेशन में चला गया और 2 बार कमलेश ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। कमलेश के पेरेंट्स ने उसका साथ दिया और कमलेश को अपने ही खेतों में काम करने के लिए कहा। अब शुरुआत होती है उस जुगाड़ू कमलेश की कहानी की जिसे आप सब लोग भलीभांति जानते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कमलेश कहते हैं, एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ खेतों में था। मैंने अपने पिताजी को खेतों में कीटनाशक छिड़कते देखा। उस कीटनाशक के चलते मेरे पिताजी को कई स्किन डिसीज हो गई पर उसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे अपने पिताजी और देश के किसानों के लिए कुछ करना है। मैंने इस प्रक्रिया को आसान करने का सोचा। मैं इंजीनियर नहीं था पर मेरे पास प्लान और जुगाड़ था। मैं अपने पड़ोस में कबाड़ी की दुकान में जाता और वहां से कुछ स्पेयर पार्ट्स उठा लाया करता था। शुरुआत में मेरा प्रोडक्ट एक साइकिल की तरह बना पर धीरे धीरे जरूरतों के हिसाब से मैं उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता चला गया और लगभग 7 साल बाद मेरा प्रोडक्ट यानी ट्रॉली कार्ट तैयार हुआ। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच बना लेंगे। 2017 में उसकी ट्रॉली कार्ट की वीडियो यूट्यूब में वायरल हो गई और कमलेश को बहुत सी कंपनी से अपनी ट्रॉली कार्ट बेचने के ऑफर्स आने लगे पर कमलेश ने ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। उसी वायरल वीडियो के चलते जुगाड़ू कमलेश को पॉपुलैरिटी मिली और बहुत से न्यूज चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया और अखबारों में भी कमलेश के बारे में छापा। 2022 में कमलेश इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए शार्क टैंक में पहुंचे। वहां उन्होंने लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने 10,00,000 रुपए फॉर 40% स्टेक इन कंपनी और 20,00,000 रुपए फॉर 0% इंटरेस्ट रेट में दिया। कमलेश को लेंसकार्ट कंपनी में ट्रेनिंग और टीम दोनों मिली और अब जाकर जुगाड़ू कमलेश ने अपना फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। एक ऐसा समय था जब कमलेश ने अपने पिताजी की कमाई सब कुछ उस प्रोडक्ट में लगा दी थी और आज उनकी मंथली रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए है। तो ये थी दोस्तों जुगाड़ू कमलेश की एक इंस्पायरिंग स्टोरी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी।